हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। बहुत खा लिए हैं आप लोग चटपटा और तीखा, आज कुछ मीठा ट्राई करते हैं। तो आपने बाजार की रसमलाई, रसमादरी, मलाई पूरी तो बहुत खाई होगी, और ये देसी मलाई पूरी देखिए। सिर्फ हमें चाहिए दूध और ब्रेड, इसी से हम लोग आज बना लेते हैं मलाई पूरी, वो भी बाजार से अच्छी। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। देखिए, ये मैंने 1 लीटर दूध उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें से मैं 2 चम्मच दूध, इस यहाँ मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला फ्लेवर है ये। यहाँ पे मैं देखिए 3 चम्मच दूध ठंडा है अभी, तो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी, और इधर दूध को उबलने देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ 4 बड़े ब्रेड ले लिए हैं, तो आप ब्रेड ले लें और इस तरह कटोरी के 2 ब्लेड डाल के इस तरह ग्लास से आप इसको कट कर दें दोस्तों। आसानी से ये कट जाते हैं, देखिए। और किनारे को भी मत फेंकिए, किनारे भी हमारे काम आ जाएंगे। क्यों, अब हम इसे आसानी से देखिए निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आ गई है ना। और निकाल के हम इस तरह देखिए प्लेट में रख देंगे। यहाँ देखिए, तो आप लोग भी इसी तरह काटिए ब्रेड को, फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हम इस तरह से ब्रेड को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, छोटा ग्लास लीजिए या बड़ा ग्लास लीजिए, और डालिए इस तरह ब्रेड ब्रेड को काट के। और इसे हम ब्रेड क्रम बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे इस प्लेट में 3 ब्रेड के ये ले लिए हैं। आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। अब हमारा दूध भी उबल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा दूध उबल रहा है, गैस मैंने कम कर दिया है। अब ये जो मैंने कस्टर्ड घोल के डाले थे, उसे मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें मिलाऊंगी और इसे गाढ़ा होने देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कि हमें ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला रखना है। 1 लीटर में आप 2 छोटे साइज के चम्मच या 2.5 आप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इसको थोड़ी देर ही पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में डालने के बाद ये कुछ और गाढ़ा होगा दोस्तों। तो ध्यान देखिए दोस्तों, और ये भी देख लीजिए आपकी 2 मिनट में कैसे आप मिठाई तैयार कर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम शक्कर डाल रहे हैं 4 बड़े चम्मच। आप अपने मीठे के हिसाब से जरूर डालें। कम खाना चाहते हैं तो कम डालें, ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, लेकिन मीठा तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मीठा बना रहे हैं और मीठा नहीं रहेगा तो। अब हम चीनी को घुलने देंगे दोस्तों, क्योंकि चीनी तो जानते ही हैं आप लोग कि गर्म जाने पर ही पानी छोड़ने लगता है। तो थोड़ा चीनी को देखिए दोस्तों, अगर है तो आप यहाँ पे 2-3 धागे केसर के डाल दें इस पे, ये गर्मा गर्म में खुद ब खुद घुल जाएंगे। नहीं हो तो नहीं डालिए, इसी तरह खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार बना के देखेंगे। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रसमलाई, मलाई पूरी, और सॉफ्ट इतना, और ठंडा ठंडा सर्व करिए 2 घंटे के लिए इसे। ये देखिए अभी ही गाढ़ी होने लगी, और 2 घंटे अगर आप इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये एकदम मलाई पूरी को भी फेल कर देगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर दोस्तों दोस्तों, बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।